लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।1979 से 1989 तक सोवियत यूनियन के लगातार बॉम्ब हमलों से अफगानिस्तान की धरती मुर्दों की बस्ती में तब्दील हो गई। उसी दौरान अफगानियों ने भी पलटकर वार किया और आपस में घमासान जंग छिड़ जाती है। अफगानिस्तान के शहर, गांव, हर जगह खून का दरिया बहने लगा। इस जंग को इस्लामिक जिहाद का नाम देकर दुनिया भर के मुसलमानों को आकर्षित किया गया। बाकी के देशों की तरह बांग्लादेश के भी कई नौजवान इस जंग में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान की ओर रवाना हुए। करीब एक दशक तक चलने वाली ये जंग आखिर एक दिन खत्म हुई और तब जंग में माहिर नौजवान अपने देशों को लौटने लगे। उन लोगों में से कुछ बॉम्ब हमले करके चारों ओर आतंक फैलाते रहे और खून से रंगीन हो उठी बंगाल की हरी भरी जमीन। ये देख करके देश के सभी निष्क्रिय आतंकवादी ग्रोह धीरे धीरे जाग उठे। इसी दौरान अमेरिका में ट्विन टावर और ड्यू ट्रेन हमले से दुनिया भर में आतंक को बढ़ावा मिल गया। धीरे धीरे जाग उठा एक नया आतंकवादी ग्रोह। उन्होंने मध्य भाग के इराक सीरिया के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया और जन्म हुआ ISIS का। वहां पे भी अफगानिस्तान की तरह दुनिया भर के हर छोर से आकर डेरा डालने लगे बेशुमार खूंखार नौजवान। जो नौजवान वहां जाने में नाकामयाब हुए वो लोग अपने देशों में ही खतरनाक हमलों से तबाही फैलाते रहे। मकसद विश्व मीडिया का सहारा लेकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह की नजर में आना। ये दुनिया तुम ही से बदलेगी और ये करने के लिए हमें एक लहर की जरूरत है, एक नई लहर। और वो लहर हर उन सारे लहरों के कॉम्बिनेशन से बनी होगी। टाइफून, साइक्लोन, काल बैशाखी एंड सुनामी, जिसका नाम है ब्लैक वेव। तुम लोगों को उस लहर को एक करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। नाउ
टेक योर नंबर। तुम्हें खत्म करने वाला कहीं घात लगाए बैठा होगा। बहुत ही गुप्त रूप से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे देश के ये डेडली इनविजिबल एनिमीज। ये किस्सा उसी दिन समझ में आ गया था जिस दिन IMF 7 से अचानक एक मिस्टीरियस इंटेल आया। उन्होंने एक बांग्लादेश के नौजवान के साथ किसी नॉन बंगाली आदमी की बातें इंटरसेप्ट की, लेकिन वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होने के कारण शक की गुंजाइश बढ़ गई। 303 अबू डुजाना अल हर्ब अल जुकाह, ये शब्द किसी भयानक तांडव का संकेत दे रहे थे। वहीं से किसी मिस्टीरियस ट्रांजेक्शन का कोड भी मिला। वो कोई हथियार, बम या कुछ और था, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चला। इसलिए उस कन्वर्सेशन से मिले कोड, व्हाइट बिडन, ग्रीन बैग और शाम मार्केट पे नजर रखी जाने लगी। सस्पेक्ट के हाथों में सब्जी का बैग, सफेद गंजी, काली पैंट। सस्पेक्ट आपके सामने से गुजर रहा है सर। हाँ, मुझे दिख गया। ऑल ऑफिसर्स स्टैंड बाय। सस्पेक्ट सफेद टी-शर्ट, काली पैंट। कॉपी इट सर।
टिक नहीं रहा है। शो, लेट्स मूव, मूव। ए, चल बताओ माल कहाँ है? कौन सा माल सर? इसका बैग चेक कर। इसे हथकड़ी पहनाओ। सर बैग में यही चीजें थी। सर सर सर। बोल। बता कहाँ रखा है? बताता हूँ सर। मोबाइल का लास्ट नंबर सर। सर 601 58। लोकेशन बताओ मुझे। वेट सर। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके सर, रोड 5 के सामने से एग्जिट कर। ओके, निकलते हैं। ऑफिसर इन रोड 7, नीली शर्ट ब्राउन पैंट पहने उस आदमी को फॉलो कीजिए, हाथ में काले रंग का बैग है। गॉट हिम, डोंट वरी। पॉजिटिव लगता है, वो भाग गया। सर आप जहां पर है वहां से राइट, फिर लेफ्ट और दोबारा लेफ्ट लेते ही आपको सस्पेक्ट मिल जाएगा। बिग लॉस, ये होना नहीं चाहिए था। तुझे आज समंदर में डुबोऊंगा। पकड़, कसके पकड़। नहीं बताएगा? नाम बता। नहीं बताएगा तो तू गया समझ। स्टॉप। अब बताएगा? मुझे नहीं पता। क्या क्या कहा? नहीं बताएगा है? नहीं बताएगा है? पता ना हो तो पता लगाने का इंतजाम करते हैं। ए, 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 सर बहुत जान है सर इसमें से। सर छोड़ दीजिए सर, मैं सब कुछ बता दूंगा सर। अब तो सब कुछ बता देगा? हाँ सर। तब तो कोई परेशानी नहीं है। रुक जा सर। नाम बोल। एक मिनट। नाम बोल। सर। क्यों? सर मैं सब कुछ बता दूंगा सर। राजन मनी एक्सचेंज,
रमजान टावर के दूसरे माले पे। दुकान का मालिक कौन है? राजन सर, राजन ही मालिक है सर। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। तो तुम्हें किस बात की फिक्र है दीपू? तुम्हारी जॉब को लेकर फिक्र है, तुम नौकरी छोड़ दो। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हेलो सर। अभी तुम कहाँ पर हो? सर मैं एक पर्सनल काम से बाहर आई हूँ। तुम्हें अभी मोमिन और टीम को लेकर मोती झील जाना होगा, एक इम्पोर्टेंट काम है। सर काम पूरा करके अपने ऑफिस में हाजिर कर दूंगी सर। उसे भागने मत देना, क्विक। ओके सर। अरे सुनो सुनो, ए इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मैंने अब तक नौकरी छोड़ी नहीं है दीपू। सुनो मीरा, चल ट्रेन में सो जाएगी, जल्दी चल। चल चल आजा, बाइक की चाबी दे। आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। बात सुननी ही पड़ेगी जनाब, आपने धर्म के बारे में जो बात कही क्या वो सही बात कही? बताइए, जिस बात से किसी को ठेस पहुंचे उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहते। मैंने गलत क्या कहा? सब सही तो कह रहा हूं मैं। आप लोग ही हर बात में धर्म बीच में ले आते हैं। ये ठीक नहीं है। आप लोगों से आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? बेकार बोल रहे हैं। सुनिए क्या कहा? धर्म में कोई समस्या नहीं है, आप भी आप कहेंगे और उठाते हैं। बात सही है और हमारी बात गलत है, ये नहीं चलेगा। ऐसे कैसे नहीं चलेगा? डिबेट ही नहीं करनी है। आप जाइए, आप जाइए ना अपने घर पे। समझने के लिए तैयार नहीं है। हर बार आप धर्म की बात ले आते हैं बीच में। धर्म को लेकर होता है क्या? बहस करने के लिए जवाब मतलब ही नहीं है। समझने की कोशिश। This is not our show. We need to stop this now. Hello, madam. क्या प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ देख रही हूँ। शुरू किया है कोई नहीं। Now, what is your suggestion? Check it out. अभी कैसे बंद कर दो? Okay. Thank you so much, madam. Thank you so much. जनाब आप रहने दीजिए। अरे आपको कुछ नहीं पता। अरे आपको कुछ आराम से आराम से। एक बार उनकी बात। हाँ नासिर भाई, हमें प्रोग्राम बंद करना होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट। सॉरी नासिर भाई, ये हमारे प्रोग्राम के स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहा है। कम से कम एक मिनट तो। मैं ये लाइव बंद कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे अरे क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? प्रोग्राम खत्म हो गया क्या? आज का ट्रांजैक्शन कौन सा वाला है बताइए सर। सर इस कॉपी में तो सब कुछ कोड में लिखा है। इसका मतलब क्या है सर? मैसेज सर। कौन सा मैसेज सर? 30,20,000 रुपए देने का ऑर्डर है सर। और ये कहां से आया? कहां से आया मैसेज? दुबई से सर। दुबई? किसने भेजे मैसेज सर? अजमल मल्टी एक्सेस सर। हेलो। और भाई कैसा है तू? कौन बोल रहा है भाई? ये क्या,
मेरी आवाज सुनकर पहचान नहीं पा रहा है। ओ सर 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 कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज सुनाई दी है। सर तबीयत कैसी है आपकी? अब सुन मैं थोड़ा बिजी हूँ तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सर आप बोलिए तो सही, करना क्या है? ये डिब्बा जान की बाजी लगा देगा। जान की बाजी नहीं लगानी है, बस जितना कहा जाए उतना कर। तुझे दुबई में चपाई नवाबगंज इलाके में निहायत ही खतरनाक तरीके से चाकू से वार करके एक स्कूल के मास्टर की हत्या कर दी गई। हेलो सर, तुमने वो न्यूज़ सुनी है? चपाई बबगंज इलाके में एक स्कूल मास्टर को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। जिस तरह से उनकी हत्या की गई, ऐसा लग रहा है कि ये काम आतंकवादियों का है। ठीक है, देखता हूं। ऐसा पता चला है कि कुछ दिन पहले उनकी लिखी हुई एक किताब प्रकाशित होने के बाद से ही उन्हें धमकी भरे खत मिल रहे थे। शायद इस घटना के साथ उन खतों का कोई संबंध। नाबीद, अरे भैया चलोगे? किसी और से पूछिए। क्या तुम लोगों की नौटंकी है? आज आसमान का रंग कैसा है? लाल। मंजिल कहाँ है? जहां से हम अभी आए हैं। चलिए। चलो जिस बात से किसी को ठेस पहुंचे उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहते हैं। अरे मैंने गलत क्या बोला? ये प्रोग्राम लाइव है। क्या आप लोग इसको बीच में ले आते हैं? आप आपस में बहस नहीं कर सकते। आप लोगों से आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? बेकार में उलझ रहे हैं आप। अरे सर, अरे ये नहीं चलेगा। हमसे शांत हो जाइए। ये नहीं चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा? समझने की कोशिश कीजिए। हाय। बाइक से आई क्या? बाइक से आई। कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो उस बाइक वाले को तुम मुड़ मुड़ कर देख रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं कुछ बात होगी। एक्चुअली बाइक वाला कुछ ज्यादा ही हैंडसम था ना, इसीलिए देख रही थी। ओ और कुछ पूछना है? ये क्या? खाला की दवाई। मैं भी तो लेकर आया। तुम्हें दवाई लाने के लिए किसने कहा था? अरे मुझे पता था दवाई लेनी है तो मैंने ले ली। मुझे थोड़ी पता होगा कि तुम भी पढ़ाया। अरे सुनो तो। अल हर्ब अल जुर्क ब्लू वॉर, ये नहीं होना चाहिए था। अगर पुलिस अंधेरे में रहे तो हम सब जारी रखेंगे, लेकिन अगर पुलिस को सब पता चल गया तो फिर प्लान बदलना होगा। मुझे लगता है पुलिस को हमारे प्लान की भनक लग गई है, वरना हुंडी के 38 लाख रुपए का राज फाश नहीं होता। हमें फाइनल अटैक करना होगा।
मेरे पास दो सुसाइडल मेंबर हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर 5-7 लोग और शामिल हो गए तो इंशाल्लाह आपके पास भेज दूंगा। आप कब माइग्रेट करेंगे? बहुत जल्द, वरना काम के अगले लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अल्लाह हाफिज खालिद, शायद अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह हाफिज। जाओ। चलो। शफीक, बोलो छोटे भाई। सामान की कोई खबर मिली? यहाँ पार्टी का बहुत दबाव है। तुम परेशान मत हो भाई, मैं सब देख लूंगा। चेक पोस्ट पे पुलिस की कड़ी छानबीन चल रही है, इसीलिए मैं खुद सामान लेकर ढाका पहुँच रहा हूँ। चलो दिखाओ दिखाओ, कागज दिखाओ, ये लाओ सारे कागज। लाओ दिखाओ। कागज है उसके पास या सिर्फ नाटक कर रहा है? नहीं नहीं सर, कागज है। ठीक से चेक करना। हाँ साहब, चेक कर रहा हूँ। हेलमेट कहाँ है तेरा? सर वो तो घर पे रख के आया हूँ। घर में रख के आया है? अगली बार बिना हेलमेट के दिखाना तो सीधा चलान कर दूंगा। यहाँ से निकलो। चलो जल्दी निकलो, चलो जाओ, चल भाग। इतनी रात गए बॉर्डर से सब्जी की गाड़ी? मामला गड़बड़ लगता है। ए, अच्छे से चेक करो। ए, ठेला रोको। ए, ठेले में क्या दे रहे? सब्जी है साहब। हाँ सर, चेक कर रहा हूँ। ए रुक 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 रुक, कौन? जाहिद भाई क्या? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ भाई? खैरियत है मियां। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ढाका जाना है, एक जरूरी काम है। अच्छा एक बात बताओ। पूछिए। अभी अक्सर सारे लड़के ढाका जा रहे हैं। हमारे गांव के पास के राणा और शफीकुल, ये दोनों भी ढाका गए हैं। आप भी ढाका जा रहे हो? उस मास्टर के खून के बाद हर कोई ढाका जा रहा है, आखिर बात क्या है? मैं सब जानता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, एक रात के लिए ही जा रहा हूँ, कल फिर वापस आ जाऊंगा। एक रात के लिए इतना बड़ा बैग लेके जाने का मतलब? बैग? दरअसल माँ ने अचार भेजा है रिश्तेदारों के लिए। अचार लेकर जा रहे हो रिश्तेदारों के लिए? ये तो लेके जाना ही पड़ता है। ठीक है जाहिद भाई, जाइए आप, जाइए। अच्छा, जाने दो। जी साहब। सब्जी वाले जाओ जाओ। ठीक है साहब। चलो जाइए भाई, जाइए।
अजमल मल्टी एक्सेस दुबई से आया है, लेकिन किसने भेजे हैं ये मिस्टीरियस मनी और ये जा कहां रहा था और क्यों? 303 अबू दुजाना अल हर्ब अल जुर्का, ये सब क्या है सर? आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये किसी जंग का या जंग के कमांडर का कोड नेम हो सकता है। 303 दिमाग लगाकर नाम रखा है, लेकिन बात थोड़ी टेंशन की है। देखो ये टेंशन की बात तो जरूर है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई एम श्योर ये लोग किसी जंग की तैयारी करके बैठे हैं और ये कोई मामूली जंग नहीं लग रही है। इट विल बी अ वॉर अगेंस्ट एन इनविजिबल एनिमी। मुझे पास कर, मुझे पास कर, अरे पास करना, अरे पास कर, अरे पास कर, अरे साइड में यार, अरे यार क्या कर रहा है, पास करो ना यार, अरे फरार करो, शूट करो ऐसे इधर, हां पकड़, एक और पास कर, पास कर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत अंदर, अरे तारिक भाई यहां पे चल मिलते हैं, क्या क्या हो गया, अरे इधर भी दे ना, हां चला यार, कहां जा रहा है, जल्दी जल्दी क्या कर रहा है यार, यार सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है भाई, हमें बाइक चलाना नहीं सिखाया। बाइक चलाना तो आसान काम है, तुम लोगों को जो काम आता है वो काम और भी ज्यादा मुश्किल है जी। वो काम कैसे करोगे पहले वो सोचना है। सर सर के ऊपर से निकल गया। फिर किसी दिन समझाऊंगा, अगली बार सिखाओगे, मिलते हैं जी भाई। सलाम अलैकुम भाई। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, मिलते हैं, ख्याल रखो। हाँ भाई। दीपू ऊपर क्यों नहीं आया? मीरा क्या हुआ तुझे? हे मीरा, भाभी से बात करके मुझे आज ही बता दो, फैमिली को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। दीपू एक ही जवाब मैं कितनी बार दूं तुम लोगों को? मैं शादी की वजह से नौकरी नहीं छोड़ सकती, ना तो मैं खुद को बदल सकती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मैं शादी नहीं कर रही, इट्स फाइनल। इट्स फाइनल? यस इट्स फाइनल। मीरा मीरा, डैम इट, बता तो सही, तू चुप रहेगी तो मैं समझूंगी कैसे? मीरा
मुझे फक्र है तुम लोगों पर। तुम लोग ही इस ब्लू वॉर के पहले फिदायीन हो। कल से इस मुल्क के अनगिनत नौजवानों की आंखों में तुम लोग ही पहली मिसाल बनोगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं भाई, हम कामयाब होकर लौटेंगे, अगर नहीं हुए तो शहीद हो जाएंगे। भाई ख्याल रखना, जन्नत में मिलेंगे। जाओ जाओ, आगे आओ आगे। हाँ रोको रोको, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। क्या बात है, एक ही जैसी बाइक, बैग भी दोनों के पास एक जैसे हैं। तुम दोनों क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हो? हाँ तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? ए बैग चेक करो इसका बैग, ए बैग खोलो, दिखाओ बैग, दिखाओ। भागना नहीं चाहिए, रुक नहीं तो गोली चला दूंगा। गोली मार दूंगा। वो ऊपर क्या? चल चल, पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम। ये नावेद, यू आर परफेक्टली ऑल राइट यू नो, लेकिन डाइट क्या कर रहे हो? आप तो जानते ही हैं, ऑफिस और ये काम के बीच। ओके दिस इज वेरी कॉमन। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन डाइट को लेकर कोई कंफ्यूजन है? मैं चार्ट बना देता हूँ। नहीं नहीं, आई एम गुड। कब तक वापस आएंगे? 2 से 3 दिन। ओके ओके, थैंक यू बॉस, थैंक यू। पुलिस चेक पोस्ट पे आतंकवादी हमले के शिकार एसआई जमाल ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। घातक आतंकवादी मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग गए, लेकिन उसके एक साथी को पुलिस एवं जनता ने धर दबोचा है। उस आतंकवादी ने एक घर के अंदर पनाह ली है। ऐसा माना जा रहा है कि घर के सभी सदस्यों को उसने बंदी बना के रखा है। हम दर्शकों को वो घर दिखा रहे हैं जहाँ उस आतंकवादी ने पनाह ली है। दर्शकों, पुलिस चेक पोस्ट पे आतंकवादी हमले के शिकार एसआई जमाल ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। ऐसा माना जा रहा है कि घर के सभी सदस्यों को उसने बंदी बना के रखा है। जो घर आप देख रहे हैं, दर्शक आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इस घर को आपसे आखिरी बार कहा जा रहा है, आप सरेंडर कर दीजिए। चुप, एकदम चुप, चुप कर, चुप। पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, हम किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते। सर, ऊपर 2 सिविलियंस है सर, और आतंकवादी ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। किस तरफ है? उधर ऊपर दूसरी मंजिल पे। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। बैठो वहीं पे, हिलना नहीं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। आप लोग इस घर के सामने से हट जाइए, नहीं तो इन सबको मार दूंगा।
आतंकवादी भले ही मोटरसाइकिल से भाग निकला हो लेकिन उसके एक साथी को पुलिस और जनता ने पकड़ रखा है। ये कैसे है? हाँ, ठीक है। घर के अंदर पना ली है, ऐसा माना जा रहा है घर के सभी सदस्यों को उसने बंदी बना लिया है। फिलहाल आप वो घर देख रहे हैं जिस घर में आतंकवादी छुपा हुआ है। खाला क्या हुआ? चुप! चुप! छोड़ दो, आप देख सकते हैं कि आतंकवादी अभी भी इस घर में छुपा हुआ है। ये कब निकलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए चलिए। राणा शहीद हो गया भाई। पापा। आप ठीक है ना सर? रुक जाओ, झुको। क्या हम जान सकते हैं इस मामले में आपको क्या कहना है? हाँ, देखिए हमारा मकसद ये था कि उस घर से महिला और बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल पाएं और उस मामले में हम सौफी सदीक कामयाब रहे और इस वारदात के पीछे किस किस का हाथ है ये हम जरूर ढूंढ निकालेंगे और आप लोग बहुत जल्द इस बारे में जान पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। लेकिन राणा के हाल में मैं नहीं जानता। और आपके प्लान के मुताबिक इस काम को मैं अकेला ही खत्म करूंगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक तुम हमारे खुफिया ठिकाने में जाकर छुप जाओ। ठीक है भाई। सादिक ने कहा तुम पासपोर्ट ढूंढ रहे हो, अचानक पासपोर्ट की क्या जरूरत आ पड़ी? आप तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। हाँ हाँ नहीं करूंगी। ये बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई आबिद? अब मैंने क्या कर दिया? इंसान की जिंदगी बचाना सबाब का काम है, लेकिन उस दिन तुमने जो किया ये भला किस कानून में लिखा है बताओ? कि तुम्हें अकेले ही उस घर में घुसना था, सही बता रही हूँ ना? अम्मी बहुत भूख लगी है। अपनी जायदाद बेच के उन्होंने भाई बहन का इलाज करवाया, आखिरकार खुद के इलाज के लिए पैसे ही नहीं बचे उनके पास, बस बिना इलाज के जान गवा बैठे। क्या तुम्हें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है? किसने कहा तुमसे कि अपने अब्बू की तरह बन जाओ? बहुत भूख लगी है, खाना दो ना प्लीज। आज खाना नहीं बनाया। वाह अम्मी बहुत अच्छे। नहीं मतलब इफ्तार का इंतजाम तो जरूर होगा। नहीं सीमा के घर में दावत है,
शैला बेटी का जन्मदिन है आज। अरे उसका जन्मदिन तो अभी कुछ दिन पहले ही। आप लोगों ने मिलकर ये सब जो शुरू किया है ना अम्मी, बताइए मैं उनके साथ अब कैसे जाऊंगा? हमारे सिवा उनका अपना कहने को और कोई नहीं है। माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए, दोनों बच्चे यतीम हो गए। सोच रही थी मैं उन दोनों का कुछ इंतजाम कर दूं, उन दोनों बच्चियों के लिए अच्छा रहेगा। मैं चलती हूँ, तुम आ जाना। अच्छा सुनो अबे, शैला के लिए आइसक्रीम लाना मत भूलना, वो तो आइसक्रीम की दीवानी है बेटा। जल्दी आ जाना। और बड़ी दीवानी के लिए कुछ लाना है कि नहीं? अरे सब्र करो, आ जाएगा वो, देखो इतनी देर। नावेद भाई इतनी देर कैसे हो गई? बस वो एक दीवानी के लिए आइसक्रीम पैक करते करते देर हो गई। मतलब? अरे आइसक्रीम मैं खाऊंगा कि तुम खाओगी? चॉकलेट आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। आइए आइए, अब यहाँ बैठिए। मतलब तुम्हारा बर्थडे हर दो दिन में आता है क्या? अरे चलो केक तो काटो। अरे ये तो पूरा दिन आइसक्रीम आइसक्रीम ही करती रहती है। बहुत बढ़िया। काटो, रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे ये क्या? अपनी फटी हुई आवाज में एक गाना सुना दो। एक अरसे बाद क्या हुआ सुनाओ ना। ट्यून तो सेट करने दो आपा। क्या आप? मैं किस जन्म में तुम्हारी आपा थी? हाँ बैठो। एक मिनट, उस दिन ऑपरेशन के लिए घर में पीछे से क्यों घुसे थे तुम? ओह गॉड, अम्मी पूछ रही थी तुम घर में अकेले क्यों घुसे, तुम पूछ रही हो कि तुम घर में पीछे के रास्ते से क्यों घुसे। नहीं मतलब मुझे तुम दोनों बता दो ना कि अगले ऑपरेशन में मैं एग्जैक्टली किस तरह से ऑपरेशन करूँ ताकि तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी तो सब ठीक है ना। तुम ना बिल्कुल नहीं बदले। जब देखो मजाक करते रहते हो। वैसे पहले तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए कितना कुछ करते थे, लेकिन तब मैं इतनी बुद्धू थी कि कुछ नहीं समझ पाती थी। फिर एक लंबा सा गैप। लेकिन तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही हो, खुद को मिस यूनिवर्स जो समझती हो, तुम्हारे तो पैर तक जमीन पर नहीं टिकते। इन 3 सालों में एक बार भी बात करने का मन नहीं किया?
अच्छा मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? I need more time. Time for what? Time for preparation. शादी की तैयारियां करनी है ना? सुनिए मिस्टर नाबिल, शादी की तारीख पक्की हो गई है. ओह, congratulations. मैं और खाला जेवर का ऑर्डर भी दे आए हैं. अब अगर शादी की तारीख कैंसिल की ना, केस कर दूंगी. कोई बात नहीं, कुंवारा रह जाऊंगा और क्या. लेकिन तुम्हारे जैसी हिटलर से तो शादी नहीं करूंगा. नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. हाँ, जो करना है मैं कर लूंगी. मतलब देखो, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है ये. अकेले तो हो नहीं सकता ना. मतलब दोनों मिलते हैं फिर कुछ होता है कि तुम सब कुछ अकेले ही कर लेती हो. हाँ, मैं अकेले ही करूंगी. तुम लोगों में से एक दिख नहीं रहा. भाईजान, श्याम की तबीयत खराब है, उसे बहुत बुखार है. इस राह पे कई मुश्किलें और कई खतरे हैं. ये सब एक इम्तिहान है. जंग में जीत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है वफादारी और तालीम. और इस मकसद के लिए आज से, यानी अभी से, 2 हफ्तों का एक कोर्स शुरू होने वाला है. इस कोर्स का अहम मकसद है तुम लोगों का ईमान, अमल और अकीदा मजबूत करना, जंग की महारत हासिल करना. मैनेजमेंट मुझे रिजाइन करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन मैं हरगिज रिजाइन नहीं करने वाला. आप वापस आ जाइए अबू. हाँ, तो मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो. आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है. अरे सही नहीं होगा. कुछ नहीं बेटा, मामूली से तकलीफ है अबू, प्लीज. और वैसे भी वहाँ की सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. Thank you.
मीरा। सर। इधर से आकर यहां निशाना बनाया। उन्हें अच्छे से पता था किस वक्त टारगेट कहां पर रहेगा। ये रेकी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी हैं, सारे के सारे फुटेज मुझे चाहिए जितना जल्दी हो सके। एंड मेक श्योर कि कोई भी मिस ना हो। गो। यस सर। पॉज, रिवाइंड करो और पॉज, ज़ूम करो और थोड़ा। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है रात 10 बजे की न्यूज में। शुरुआत में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर अफजल आसिफ के खून की जिम्मेदारी ली है नया आतंकवादी गिरोह फ्री लैंड फॉर पीस ने। विदेश मंत्री ने डॉक्टर अफजल आसिफ के खूनियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। तकबीरुल आलम नाम के इस हमलावर के बारे में अब तक पुलिस कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस दौरान फ्री लैंड फॉर पीस इस गिरोह में और भी कई नौजवान शामिल हो चुके हैं। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जी सर। पिछले कुछ महीनों की मिसिंग लिस्ट निकालो पूरे बांग्लादेश की। ओके सर। सर बैठो। सर, स्टेशन में शफीकुल जाहिद से मिलने आया था और जाहिद से बैग लेकर वो तुरंत वहां से निकल गया। ए, तुम शफीकुल को फॉलो करो। वो तो एक ऑटो में बैठ के चला गया और आपने तो जाहिद को फॉलो करने के लिए कहा था। मैं जितना कहूंगा उतना ही करोगे। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? हाँ, गधा कहीं का। ट्रेन पकड़ के वापस आ जाओ।
पुलिस को हमारे एक नंबर सेफ हाउस का स्पेसिफिक लोकेशन कैसे मिला? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आप इसी वक्त हर एक सेफ हाउस में रेड अलर्ट जारी कीजिए इमीडिएटली। हाँ भाईजान, इंतजाम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर, उस जगह से हमें 13 किलो एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, 2 पिस्टल और कुछ किताबें, और उस बायोमेट्रिक चेक ऐप से हमें कंफर्म हो गया है कि मृतक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ व्यक्ति दोनों ही पिछले हफ्ते खुलना से लापता हो गए थे। उनके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखवाई थी जो हमें पहले ही पता चल गया था। और सर, हमने ढाका से भी कुछ मिसिंग लिस्ट मंगवाई है। मेरा सर, पिछले 3 महीनों में ढाका से करीब 14 यंग लड़के लापता हुए हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि बहुत से मामलों में परिवार वाले रिपोर्ट नहीं करते और ये नंबर हमें सिर्फ थाने में किए गए रिपोर्ट की बेसिस पर मिले हैं। ओके सर, इसमें से एक पुलिस चेक पोस्ट का हमलावर है और साथ ही ये डॉक्टर अफजल आसिफ का हत्यारा भी, जिसका नाम है जियादुल। क्या कह रहे हो? और सर, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन का विषय ये भी है कि मृतक नौजवान और डॉक्टर का खून करने वाला नौजवान शायद एक ही काम करने के मकसद से निकला होना चाहिए और चेक पोस्ट वाला हादसा एक्सीडेंटली हो गया होगा और वैसे भी उसके बाद तो वो दोनों बिछड़ गए थे। क्या मतलब है सर? सर, ये दो वारदात भले ही अलग हो लेकिन इन दोनों से जो हमें एविडेंस मिले हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सर, इन सब में ही 100% सिमिलरिटी है। यंग लड़के जिस तरह से इस गिरोह के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं ये बात सर चिंताजनक है। इसका मतलब कौवे के घोंसले में जा रहा है कोयल का बच्चा, लेकिन इससे अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। इस बहाव को सीरियसली हर हालत में रोकना होगा। नाविद सर, आज से देश की जितनी भी मिसिंग एक्सीडेंट की डिटेल्स है उन सब का मेरे पास होना जरूरी है। राइट सर। ओके, एक नंबर सेफ हाउस रेड, हाउ इज इट पॉसिबल? सेफ हाउस के बारे में पुलिस को कैसे पता चला? उसका पता तो मेरे या शफीकुल भाई के सिवा और किसी को नहीं पता। वैसे राणा कुछ दिनों तक उस घर में रुका था लेकिन वो तो शहीद हो गया, और तो किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर हु इज इट? मिस्टर नाबिद, वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, बट तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि कोई तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। लेट्स सी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इट्स ऑलमोस्ट 18 डेज मैं अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद मेरी बेटी का बर्थडे है। उसने कहा है कि भैया के बिना केक नहीं काटेगी। आई एम सॉरी मिसेस रहमान, पूरी घटना बहुत पैथेटिक है। अच्छा, उसके करीबी दोस्त कौन कौन है? उनके बारे में क्या ही बताऊं? उसके तो बस दो ही खास दोस्त हैं, सियाम और जीतू। लेकिन उस दिन से तो वो दोनों भी गायब हैं। क्या नाम बताया आपने? सियाम और जीतू, दो खोटे सिक्के। सर, होल्डिंग नंबर 296, मोल्ला बारी रोड, आज खोना दक्षिण खान। मैं चलता हूँ सर। चलता हूँ। मोमिन, यहाँ पर जाइए, रात को रेड मारना होगा। लेकिन सर, राजीव चलता तो अच्छा होता क्योंकि सोर्स के साथ उसका कम्युनिकेशन है, उसी से बात की है। और सर, मेरे घर में भी थोड़ा एक काम कीजिए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। सॉरी सर, मैं अभी चलता हूँ। बैठिए। कितने साल हो गए आपको? जी कितने साल हुए, आपकी उम्र क्या है? सर, स्मार्टफोन लोकेशन पर जाकर साफ साफ फोटो खींचकर मुझे भेजिए।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सिंफोनी को कैमरा भी है। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा शमीम की माँ। आइए आइए। प्लीज ऑफिसर, मेरे मेरे बेटे को आप लोग ले आइए। बेटे को तो ले ही आएंगे, साथ ही बरगलाने वाले को भी। सर। हाँ बोलिए। जी सर, मिल गया सर। नहीं, ऐसा किसी को नहीं देखा, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, वो एक आध बार हमारे घर पर आया था, लेकिन वो मेरे बेटे से बहुत बड़ा है। वो लड़का बहुत अच्छा है। नाम क्या उसका? तारिक, डॉक्टर तारिक बिन अजीज। ओ ग्रेट, अगर उनसे मुलाकात करना चाहें तो? जब से बच्चे गायब हुए हैं उसके बाद से ही उसकी कोई खबर नहीं है। सुना है कि वो देश से बाहर है। वो देश से बाहर है। सस्पेक्ट की एक फोटो तो मुझे चाहिए ही। तुम्हारे यहां सब ठीक है ना? जी भाई। मैं दुबई में खान साहब से मिलने आया हूँ। जी। फिदाइन हथियार गाड़ी वगैरह सब तैयार है ना? हम तैयार हैं भाई। तो हमला कब कर रहे हो? आपसे ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम अगले हफ्ते काम तमाम कर देंगे। मनी ट्रांसफर में खतरा बढ़ गया है। जी। जैसा कि मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, इस ऑपरेशन से परमिशन मिलेगा, उसके बाद देखते हैं। फिर भी मीटिंग के बाद बताता हूँ, रखता हूँ। ठीक है भाई। सर ये वाला है। सर ये वाला। खिड़की दरवाजा कितने हैं? सर गिनना तो भूल ही गया सर। बड़ी मेहरबानी की, चाहिए देखिए। ठीक है सर। हेलो अबू। हाँ बेटा। आप घर कब आओगे? पीछे हटो मोमिन।
मैंने अब तक तुम लोगों से जो भी कुछ कहा वो उन्हीं को कहा जा सकता है जो भरोसेमंद है, जो एक सिपाही की तरह जन्नत जाना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हादसे होंगे और फिर हजारों नौजवान इस राह पर आएंगे। उन लोगों के लिए तुम मिसाल बनोगे, एक एग्जाम्पल, लेजेंड्स। इस नश्वर दुनिया में गंदे सिस्टम में उलझकर जीने से क्या फायदा? ये सब छोड़कर तुम लोग सच्चाई की राह पर आओ प्लीज। मैं आ रहा हूं भाई। मैं भी आ रहा हूं भाई। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तू हमेशा पीछे हट जाता है, बेकार के मिडिल क्लास सेंटीमेंट्स। यस आई एम, और मुझे गर्व है कि मैं मिडिल क्लास परिवार से हूं। यू नो व्हाट, आई एम इन। अच्छा, वो आदमी क्या फिर से पैसे भेजने आया था? जी हाँ, वो आया तो था। आज ही आया था? हाँ भाई, आज ही आया था। दरअसल और कोई रास्ता ही नहीं है ना, इलीगली पैसा भेजना हो तो हमारे थ्रू, और अगर लीगली भेजना हो तो अलंसारी एक्सचेंज। और फोटो? फोटो तो आपके मोबाइल में भेज दिया भाई। ठीक है, पेपर दो। महबूब राशिद, डीसी सीटीटीसी, बेहद माहिर और इंटेलिजेंट ये ऑफिसर पूरी दुनिया में भले ही मशहूर हो, लेकिन बेहतरीन लाइफस्टाइल और लगातार नॉन प्रोफेशनल बर्ताव के कारण बर्खास्त हो गए हैं। फिर भी उनका काम रुका नहीं है, अपनी टीम के साथ अंदर ही अंदर नए चाल बुन रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की कोई अपडेट नहीं मिली मुझे। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ क्रिमिनल्स और मुजरिम तो मिले, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुंह नहीं खोल रहा यानी कोई जरूरी खबर छुपा के रखी है। कीप ट्राइंग, लगता है कुछ बड़ा ही हाथ लगेगा। सर, और उस दिन के ऑपरेशन में आखिर हुआ क्या था? वहां पर कत्लेआम हुआ था है ना? मोमिन बहुत काम का लड़का था। नावेद, सर आई थिंक मुझे टीम वर्क में प्रॉब्लम हो रही है। कोई अंदर की खबर बाहर लीक कर रहा है, वरना उन लोगों को कैसे पता चलता कि एग्जैक्टली उसी वक्त उसी लोकेशन पर हम मौजूद होंगे? इट वॉज अ ट्रैप सर। ट्रैप तो और भी आएंगे, अभी तो शुरुआत है। उन लोगों के पास बहुत मजबूत बैकअप है, मोटिवेशन, ट्रेनिंग मैनुअल, पैसे, क्या नहीं है उनके पास। और उस ओंडी के पैसों की जानकारी तो मिली थी इंटरनेशनल इंटरपोल से। सर, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है, वरना मुझे इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब ही नहीं था। सर, वो लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। किसी के पास अगर वेल ट्रेन बैकअप ना हो तो वो काउंटर अटैक की टेक्निक आखिर कैसे सीख सकता है? जैसा मैंने सोचा था। बोलो। सर, अभी मुझे एक हैकर चाहिए, यंग। एथिकल हैकर, राइट? राइट सर। ये मेरा बहुत भरोसेमंद है। थैंक यू सर।
सर, मुझे लग रहा था कि अगर हम इस एथिकल हैकर की मदद से कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाल पाए तो शायद हम... Darling, you got a guest early in the morning, but I don't know. Anyway, he's so handsome. Hello. Hello. ये मेरे डिपार्टमेंट का जूनियर है. Dinah. Nabid. Nabid Al Shahriyar. Nice to meet you, Nabid. You are so handsome. हम लोग शादी करने वाले हैं अगले विंटर में. Oh, congratulations. Thank you. Next winter? You told me this winter and now you are telling me next winter? नहीं नहीं, इस विंटर मैं अपनी माँ से कनाडा मिलने जा रहा हूँ. This winter you are going to Canada to meet your mom and I don't know. क्या हुआ? Relax, Dinah. What relax? क्यों गुस्सा कर रही हो? Sir, अब मुझे चलना चाहिए. हाँ, see you. Ma'am. हाँ. Keep posting me. Yeah, sure. That's enough, Mehboob. अरे मेरी बात तो सुनो. I'm leaving tomorrow. Dinah. So nowadays hacking is a profession, huh? हाँ बिल्कुल सर, ये फील्ड बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होती जा रही है. आपा, आज नाविद भाई का जन्मदिन है क्या? उसके बर्थडे में जाकर मैं क्या करूँ? अच्छा मेरा क्रेडिट कार्ड देखा तूने? नहीं देखा. सुनो ना, हाँ? नाविद भाई तो तुम्हें हमेशा गिफ्ट देते हैं, तो तुम क्यों नहीं देती? मन नहीं है इसलिए नहीं दे रही. तुझे कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? चल, देर हो रही है, आ जा. कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है. गुलशन रोड नंबर 2 क्रॉस कर रहा है. ऑल ट्रैकर्स आर एक्टिव. उन लोगों ने जिस आईडी से हमें हमले के लिए ईमेल भेजा था. जी सर. क्या तुम एग्जैक्टली उस आईपी लिंक के थ्रू उनको पकड़ सकते हो? पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं. यस मैम. मैम 7800. सॉरी मैम, अभी शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है. अगर आप बुरा ना माने तो आप कैश पेमेंट कर सकती हैं. क्या मतलब? हाँ. सॉरी सर, सारी फाइल्स रेडी हैं. यहीं पास में एक बैंक भी है. बैठ.
हमें अंदर जाने दीजिए। सर कुछ कीजिए सर। हेलो कंट्रोल रूम। सर हमें अंदर जाने दीजिए। वो देखो सर, बाहर निकालिए सर, मुझे बैकअप की जरूरत है। रोक नहीं सकते सर। इतिहास में एक नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। कोई किसी तरह की चालाकी नहीं करेगा। मुझे सभी मोबाइल फोन उस कार्टन में चाहिए। बस बस हमें कुछ मत कीजिए सर। नाम मोहम्मद राशिद। नाम मोहम्मद अशरफ। नाम रिजवान। नाम धर्म को मानने वाले बच जाएंगे, जो नहीं मानते वो मारे जाएंगे। मैनेजर कौन है? मैं। पुलिस है। अच्छा सुनो, अल्फा माइक 113 सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? अल्फा माइक 113 हमें डेटा मिल गया। अब ऐसा क्या हो गया कि इसके 37 मिस्ड कॉल आ गए? हेलो सर। हाँ शाहिद बोलो। सर आप प्लीज उत्तरा सेक्टर 3 में चले आइए। पर क्यों? सर एक बैंक में 5 चोर घुसाए हैं, उन्होंने 5 को मार दिया है और 50 को बंदी बना लिया है। सर मुझे लग रहा है ये वही ग्रुप है सर। मैं आ रहा हूँ। ओके सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग खुद को कानून के हवाले कर दीजिए। सर मैंने आपको कई बार फोन करने की कोशिश की। अरे मेरा फोन साइलेंट था और वॉकी टॉकी भी बंद था, क्या सिचुएशन है? सर उन लोगों ने अब तक 6 लोगों को मार दिया है, 2 लोगों को छोड़ दिया है, पर किसी तरह का निगोशिएशन नहीं कर रहे। एक काम करो, जल्दी से टीम को रेडी करो। स्टैंड बाय। शायद जी सर, चेक करो कि स्नाइपर्स की पोजीशन क्या रहेगी। ओके सर। सर एनी प्रॉब्लम? पता नहीं आप ये बात जानते हैं या नहीं, सर सीमा मैडम अंदर हॉस्टेज है सर। क्या कहा? मतलब वो यस सर। अ
अभी की ताजा खबरों में से नॉर्थ पोल बैंक में घुस गए हैं कुछ आतंकवादी। आतंकवादी वहां घुसकर बैंक में जितने भी लोग थे उन्हें बंधक बना लिया है और पुलिस ने नॉर्थ पोल बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं नॉर्थ पोल बैंक के सामने अभी क्या हाल है। ऐसी भयानक बैंक डकैती की वारदात आज से पहले बांग्लादेश में कभी नहीं हुई। हालांकि बैंक को चारों ओर से सीटीटीसी हॉस्टेज रेस्क्यू टीम ने घेर लिया। वारदात में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने बताया है कि पुलिस ने अभी तक अंदर मौजूद आतंकवादियों के साथ कोई बात नहीं की है, उनकी हर कोशिश नाकाम रही है। थोड़े थोड़े अंतराल में बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आ रही है। हम सभी खौफ में हैं। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी बहुत फिक्र में हैं। बांग्लादेश पहली बार इस तरह के हालात का शिकार हुआ है। मेरे कैबिन में आना जरा तुम। देश विदेश में इस हॉस्टेज इंसिडेंट की खबर को फैलाया जा रहा है। पूरे हालात पर काबू पाने और बंधकों को बाहर निकालने के लिए हमें और कितना इंतजार करना होगा ये कोई नहीं जानता। पुलिस ने बैंक को घेर रखा है। सर मुझे लगता है न्यूज़ का लाइव टेलीकास्ट बंद करवा देना चाहिए सर, क्योंकि वो लोग हमारे सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहे हैं सर। सर हम सेफ नहीं हैं सर। अल्फा माइक 132 कंट्रोल, सारे लाइव टीवी शो बंद करो। सारे ऑफिसर्स पीछे के गेट की तरफ मूवमेंट बढ़ रही है। जो भी पीछे के गेट की तरफ है वो अलर्ट रहे, हमें कभी भी मूव करना पड़ सकता है। आई रिपीट, अलर्ट रहना होगा। हम किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते। आप लोग खुद को कानून के हवाले कर दीजिए। एनी अपडेट? नो अपडेट सर। ज्यादा होशियारी दिखाई तो एक एक करके सारे बंधकों को मार डालेंगे। हम अपनी फोर्स यहां से हटा रहे हैं और हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि बिना खून खराबे के कानून के सामने सरेंडर कीजिए। किसी को कोई खरोच भी नहीं आएगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ये सब कुछ बिना खून खराबे के भी। सभी बंधकों को छोड़ देंगे लेकिन हमें जाने के लिए दो गाड़ियां चाहिए। जाते समय कोई हमारे रास्ते की रुकावट ना बने। आधे बंधकों को हम यही रख देंगे और बाकियों को हम साथ ले जाएंगे, लेकिन इन्हें रास्ते में छोड़ देंगे। अगर हम पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ तो, अगर हमारी शर्त मंजूर है तो पीछे के गेट पर दो गाड़ी भेजिए। गाड़ी में पेट्रोल फुल होना चाहिए और रास्ता खाली, वरना हर 5 मिनट में एक जान जाएगी। शायद तुम एक गाड़ी का इंतजाम करो। यस सर। उठिए, बाहर जाइए। इन 5 लोगों को बाहर निकालो। यू आर फ्री। सर उनकी 2 गाड़ियां रवाना हो गई हैं। हम पोजीशन पे हैं। ओके, तुम एक बाइक लेकर उनका पीछा करो। हो सकता है वो कोई चालाकी कर रहे हो। और अब मैं अंदर जाने वाला हूँ। कॉपी सर। एचआरटी टीम हमले के लिए तैयार रहो। सीमा मैं हूँ। डरो मत सीमा, डरो मत। It's okay. सब ठीक है। धीरे चलिए, संभल कर।
सर दोनों गाड़ियों में 12 विक्टिम्स हैं सर। और ड्राइव भी विक्टिम्स ही कर रहे थे, कोई आतंकवादी नहीं है सर। ओके शाबाश। मनी 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 मतलब फ्यूल मनी, मनी मतलब अटैक, लेकिन करोड़ों रुपयों का मतलब बड़ा अटैक डेफिनेटली। डेफिनेटली वो लोग कोई बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। क्या हुआ? बाहर ठंडी हवा चल रही है, यहां ज्यादा देर तक मत बैठो, कुछ देर में अंदर चले जाना। मैं चलती हूं, कल ऑफिस भी जाना है। हेलो, ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूं। लगा आ जाएगा छोटे भाईजान, माल ले आया हूं। वो रहा भाई,
जाहिद ने जो सप्लाई किया था वो माल कहां पर है? पता नहीं सर। 303 आईडी से अरेस्ट के 10 मिनट पहले भी बात हुई है। 303 कहां पर है? जाहिद ने क्या सप्लाई किया नहीं पता। इधर 303 से कुछ देर पहले बात हुई लेकिन 303 कहां है वो भी तुम्हें नहीं पता। बोला ना मुझे नहीं पता। मारने की जरूरत नहीं, ले चलूंगा, जहां कहोगे वहां ले चलूंगा। सुनो, इसी वक्त एक इंटेल मिला है, सिचुएशन ठीक नहीं है, लगता है आज ही अटैक करेंगे। मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया है, अपना इनबॉक्स चेक करो। ओके सर। बी क्विक। यस सर। ब्लू लिटिल बॉय, ये क्या है? बम? ओह, व्हाट द हेल इज दिस? आज ब्लू वॉर का आखिरी दिन है। हमने पिछले 8 दिनों से इसी दिन के इंतजार में बहुत सारी तैयारी की है। इस अटैक के बाद हमें शैम से पूरी रिकग्निशन मिल जाएगी, इसलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये ब्लू लिटिल टॉय ब्लास्ट होने के बाद जिन लोगों की मौत होगी वो या तो फौजी होंगे या फिर काफिर होंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पे इस इलाके पे हमारे गिरोह का जो असर है, जो ताकत है, वो पूरी दुनिया के सामने साबित करना। ए, बड़ा मजा आ रहा है ना? अब अगर तूने कोई चालाकी की ना तो आज रात ही तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। बोलो। जिस लैपटॉप से उन लोगों ने अटैक की जिम्मेदारी ली मैंने उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया है, लोकेशन भेजता हूं सर। इस लोकेशन को ट्रैक करो तो। ओके सर। मीरा, मीरा कम इन। हेलो सर। ड्राइवर को कहो अभी गाड़ी घुमा ले, वो कमीना हमें गलत लोकेशन पर ले जा रहा है। न्यू डेस्टिनेशन है उत्तरा सेक्टर नंबर 13, अभी जाओ। पायलट साहब। जी सर। लेन घुमाइए। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ उत्तरा सेक्टर नंबर 13। मुझे पता था। ए, बांधो इसे। जल्दी चलो जल्दी। ओह शिट, फास्ट फास्ट।
रेबोलियन की 1132 कंट्रोल। यस सर। उत्तरा सेक्टर 13 में 2 प्लाटून पुलिस, 1 बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट और डॉग स्क्वाड, अभी भेजो फास्ट। मैसेज रिसीव्ड। ओवर। ये 7 kg एक्सप्लोसिव है और पावर एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए है 1 kg एक्स्ट्रा TNT। बॉम्ब डेटोनेट करने के कुछ माइक्रोसेकंड्स के अंदर एक छोटा मोटा सा हिरोशिमा बन जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब लोग मरेंगे, चारों तरफ बस फौजियों और काफिरों के खून का दरिया बहेगा। सिक्स बाई 60, ये है क्या या फिर ये कहाँ है? ये होगा इस देश के इतिहास का सबसे भयानक अटैक। याद रखना, इसके जरिए दुनिया के सबसे ताकतवर गिरोह में शामिल हो जाएगा हमारा नाम, फ्रीलैंड फॉर पीस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शफीकुल भाई को डिफेंस वालों ने सामान के साथ पकड़ लिया है। उसे लेकर पुलिस आपके पास आ रही है। वो लोग किसी भी पल आपके पास पहुंच सकते हैं, आप संभल कर रहिए भाई। अच्छा, तुम सब सामान पैक कर लो, और जाफर तुम जाकर देखो निकलने का कोई और रास्ता है कि नहीं। जी ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। Thank you.
सर मुझे बचा लीजिए, सर मुझे बचा लीजिए, सर मुझे बचा ली। तुम लोगों में 303 कौन है? जाकर देखो। कौन? लावा वन। बस आप हमारे साथ चलेंगे, बाकी के लोग पुलिस से गोली चला के उन्हें एंगेज रखेंगे। चलिए। तुम एक और खुश नसीब हो, जन्नत में मिलेंगे। फ्री लैंड फॉर पीस। भाई अल्लाह हाफिज। चलो
टारगेट चेंज करो, दो नंबर टारगेट की ओर जाओ। मैं आ रहा हूं। Oh my God. Hello? Sir, advanced team Gulshan 2 की ओर जा रही है। क्या? Sir, 303 भी उस तरफ जा रहा है। Sir, मुझे लगता है अबू दुजन ही 303 है। क्योंकि उसने 01 के बदले 02 पे अटैक करने का ऑर्डर दिया है। He is acting as leader. ठीक है, तो मुझे लोकेशन डिटेल्स भेजो और मीरा और शाहिद को अभी कभी गुलशन भेजो, ओके? ओके सर। गुलशन? पर गुलशन कहां जाएगा? मैडम, मैडम आप अभी यू टर्न लेकर गुलशन की ओर जाइए। कॉपी, वी आर कमिंग। शाहिद टर्न करो। लगता है सामने से किसी भी तरह अंदर जाना मुमकिन नहीं है। पीछे से किचन के गेट से घुसो, ठीक है? ठीक। शाहिदीरा, तुम लोग अभी के अभी ब्लू रॉकर के पास आ जाओ। राइट नाउ, राइट नाउ। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, एक मिनट होल्ड करो। क्यों भाई, रात को ये सब क्या लेकर आए हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? अरे ये सब दिन में लेकर आना चाहिए। जाओ ये सब दिन में लेकर आना। अरे भाई अभी मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? अरे जाओ ना। हाँ तो मैं कह रहा था।
पुलिस। अटैक करने का प्लान था बायोलॉजिकल लैब, लेकिन घुस गए पार्टी सेंटर में, क्योंकि लैब की सिक्योरिटी भारी है और पार्टी सेंटर में 500-600 लोग हैं और 200 गैस सिलेंडर्स। यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पार्टी सेंटर उड़ जाएगा और साथ ही पेट्रोल पंप पे ब्लास्ट। बस तो हो गया बिग ब्लास्ट और फिर इसका इफेक्ट होगा बायोलॉजिकल सेंटर में। ओ माय गॉड, इसका मतलब करोड़ों लोगों की जान। फोन भी काम नहीं कर रहा है। कौन है? कौन हो तुम? यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? Listen.
War is not over. Move. कौन बोल रहे? This is 303. What? इस बार भले ही पानी डाल के आग बुझा दी, अगली बार लहरों की जंग को कैसे रोकोगे? ब्रेव एंड स्मार्ट नापित, रोशनी में जो खेल है अंधेरे में वही जंग कहलाती है. गेट रेडी फॉर फाइनल राउंड फॉर ब्लैक वॉर. हेलो हेलो. Shit!